Hello guys, welcome back to my channel Study Level. In this section we will discuss about chemical properties of acids. Acids ke chemical properties ke bare mein hum log is section mein discuss karenge. In the previous section we had discussed about some basic properties of acid and base and also about some indicators such as olfactory indicators and common indicators such as methyl orange, phenolphthalein, litmus paper, etc. In this section we will discuss about chemical properties of acids. That means what are the chemical properties of acids. So first of all we take a preview. First one is reaction with metals. That means chemical properties of acids. कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे कि इसमें मेटल्स के साथ आपको कैसे रिएक्शन करते हैं ये एसिड्स. ये जो एसिड्स हैं वो आपको मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया है कि मेटल जो होते हैं जब आपको किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो जनरली क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जो हमारा मेटल रहेगा उसी का कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, सॉल्ट्स बनेंगे और फिर आपको क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैसेस बनेंगे. ठीक है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किसका रिएक्शन, एसिड का जो रिएक्शन है वो हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो हम लोगों को क्या मिलता है कि जब एसिड, हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है जब हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा. फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि एसिड की जब एसिड आपको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, H2O बनाता है और आपको CO2 बनाता है. और सेम कंडीशन जब आपको एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो भी आपको क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 ही बनेगा. सॉल्ट किसका बनेगा, जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स होंगे उसी का सॉल्ट बनेगा. ठीक है, नंबर थर्ड में हम लोगों का कौन सा प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. क्यों कंडक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, नंबर फोर्थ क्या पढ़ना है हम लोगों केमिकल प्रॉपर्टी में, रिएक्शन विथ बेस. दैट मीन्स अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा. तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर. का जब आपको जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सबसे लास्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं और जब ये मेटालिक ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है. तो जब हमारा मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ साथ आपको H2O बनाता है. ठीक है, तो ये आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को वन बाई वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं जिसमें आपको क्या बताया था. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स. यानी कि अगर एसिड्स, अगर आपको किसी भी मेटल्स के साथ, किसी भी एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो आपको क्या फॉर्मेशन करते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स. यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ है एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स करने का मतलब एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल्स का जिसमें आपको बताया जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल्स है. ठीक है, तो उसमें जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो किनको बोले जाते हैं, जो हाइड्रोजन से एवव, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो एवव मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी एक्टिव मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्जांपल ले सकते हैं कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. तो जब आपको एसिड्स किसी भी रिएक्टिव मेटल्स के साथ, किसी भी रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं या फिर एक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं कि जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, किसी के साथ भी अगर वो रिएक्शन करता है, एसिड रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, पहला तो वो सॉल्ट बनाएगा.
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे विथ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या होगा उस रिएक्शन में, आपको हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, सॉल्ट तो बनेगा ही, सॉल्ट के साथ साथ आपको क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का भी क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अगर देख करके चलते हैं, जैसे कि जिंक, ठीक है, जिंक अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ये जो एरो का साइन ऊपर की ओर शो किया गया, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो वहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टेट भी देख सकते हो कि जिंक जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ जो H2SO4 है वो आपको एक्वस सॉल्यूशन है, ZnSO4 है वो भी आपको एक्वस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप स्टेट को रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हो, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है HCl के साथ, ये भी एक्वस स्टेट में है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस बनाता है। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि HCl जो होता है या फिर कोई भी एसिड जो होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करता है जब वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है कि एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी H2SO4 और HCl तभी वो एसिड के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करेगा जब वो आपको एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होगा। अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो वो आपको एसिड के साथ मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और, हम आपको बार बार बता रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स कहने का मतलब जो यहाँ पे मेटल रहेगा उसी का सॉल्ट्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Zn होता है, आपको पता है कि जिंक जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और इनको जब आप ब्रेक करोगे, इनको जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। जब इन दोनों को H2SO4 को ब्रेक करोगे तो H+ और क्या बनेगा, SO4 2- बनेगा। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस इलेक्ट्रो नेगेटिव के पास चला जाता है, यानी कि जो जिंक होता है वो किसके पास आ जाता है, SO4 के पास चला जाता है, जिस कारण से क्या बन जाता है, हमारा ZnSO4 बन जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो ये बचा हमारा वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो जिंक है इस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करके खुद उसका स्थान ले लिया। देखो यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना SO4 के साथ कौन अटैच हो गया, Zn अटैच हो गया, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि Zn जो है वो H2 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन है या फिर एसिड का जो मेटल के साथ रिएक्शन है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस है उसमें आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सेकंड अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी आपको क्या कर रहा है, मैग्नीशियम भी जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, और क्या बना ले रहा है, MgCl2 बना रहा है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये भी जो रिएक्शन हुआ आपको क्या हो गया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये जो रिएक्शन कहलाएगा वो हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। दैट मींस रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो पता चल गया कि सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बनेगा, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना, सॉल्ट बना हाइड्रोजन गैस बना। एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम अगर आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, कैसे बनाया, Na और SO4 इसके साथ कंबाइन बनेगा तो Na2SO4 बनाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम का जो बैलेंसी होता है वो 1 होता है, सल्फेट का जो बैलेंसी होता है वो 2 होता है, तो वो एक्सचेंज होता है जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और ये जो रिएक्शन है वो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन है। तो क्या बना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बने और हाइड्रोजन गैस बने। तो हमको कैसे, आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हम लोग ये पता कर सके जो ये निकलने वाला गैस है, जो गैस इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो आपको हाइड्रोजन गैस ही है। कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या किए हैं, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाले हैं, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन को लेकर के चले हैं, और उसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। ठीक है,
इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के कुछ छोटे छोटे हम लोग टुकड़े को डाले हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से एक गैस जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक गैस आपको रिलीज होता है बाहर जो निकलता है, ठीक है। अब देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या किए हैं, एक स्टैंड की हेल्प से क्या कर दिया है, एक स्टैंड की हेल्प से हम लोग उसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जो गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब की हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस गैस को एक अनदर कंटेनर से पास करवाते हैं, जिसमें आपको पहले से क्या प्रेजेंट होता है, सोप सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी लिक्विड में अगर आप गैस को पास कराओगे किसी भी पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, तो वहां से कुछ बबल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या किए, इस H2 गैस को, जो गैस यहाँ से बाहर निकल रहा था, जब उसको हम लोग सोप सॉल्यूशन से पास करवाएं, तो सोप सॉल्यूशन से पास करवाने पे हमको कुछ दिखाई देगा, कुछ छोटे छोटे क्या बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे। और ये बबल्स क्या थे, तो ये सोप के बबल्स थे, ठीक है, जो कि जनरली किससे फिल्ड थे, वो जो गैस बाहर निकल रहा था उस गैस से क्या थे, फिल्ड थे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग क्या किए कि इस बबल्स के पास अपने एक बर्निंग कैंडल को लेकर के, एक जलता हुआ कैंडल को लेकर के हम जैसे ही आए, तो वो जो गैस था, गैस का जो बबल्स था, वो क्या हो गया, आपको पॉप साउंड के साथ वो क्या कर गया, बर्न कर गया, यानी कि फट फट करके वो क्या कर गया, बर्न कर गया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब, ये जो गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे करते हैं, तो जब उसको हम लोग सोप सॉल्यूशन से पास करवाते हैं और उसके पास अगर एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं, तो वो क्या करता है, पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड करने का मतलब जो आपको फट फट का आवाज आता है उस तरह के साउंड के साथ ही क्या करता है, आपको बर्न करता है। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि जो निकलने वाला गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस का पहचान किस तरह से करेंगे कि अगर उसको हम लोग किसी भी बर्निंग कैंडल के पास लेकर के जाते हैं या फिर किसी भी जलते हुए चीज के पास लेकर के जाते हैं, तो वो क्या करता है, पॉप साउंड के साथ क्या करता है, ब्लास्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन था जिसमें हम लोग क्या देखे कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो रिएक्शन होगा वो किस तरह का रिएक्शन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये आपको एक्टिविटी है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको देखेंगे कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग सेकेंड केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, यानी कि दैट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड्स के, एसिड्स के सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हम लोग बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जब एसिड आपको मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब आपको एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ, ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ अगर वो रिएक्शन करते हैं तो क्या मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट होते क्या है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, किस चीज को बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। तो देखो, जब हमारा मेटल, कोई भी मेटल और जो कार्बोनेट, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, आपको पता है कार्बोनेट का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग सोडियम को लेकर के चले, तो सोडियम और ये कार्बोनेट अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। और सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और ये वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और इसका वैलेंस इसके पास चला जाएगा, जो क्लास 9 में आप पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसी तरह से बाई कार्बोनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCO3 और इसका जो वैलेंसी होता है, इसका जो वैलेंसी होता है वो आपको कितना होता है, वो 1 होता है, वैलेंसी कितना होता है 1। तो कोई भी मेटल के साथ अगर इसको रिएक्शन करवाएंगे, किसी भी मेटल के साथ अगर करवाएंगे, तो वो क्या बनेगा, मेटल बाई कार्बोनेट या फिर मेटल इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कैल्शियम को लेकर के चले, तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ca और HCO3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, Ca के नीचे 1 लिखाएगा और HCO3 को हम लोग ब्रैकेट में डालकर कितना लिख देंगे, 2। तो सिंस 1 लिखा था नहीं है तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, मेटल कार्बोनेट था, और ये हमारा क्या था, मेटल बाई कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है।
सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले मेटल कार्बोनेट को पढ़ लेते हैं फिर मेटल बाइकार्बोनेट को पढ़ेंगे। तो जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चले कि हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये सोडियम कार्बोनेट, देखो ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम मेटल हो गया और कार्बोनेट CO3 हो गया, तो ये हमारा मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, तो जब हमारा एसिड सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम क्या पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब आपको बताया है कि जो यहाँ पे हमारा मेटल्स रहेगा उसी का सॉल्ट बनेगा। तो मेटल हमारे पास कौन है, Na, आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इसके पास कौन होता है, Cl जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन बन जाता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या होता है, H2 और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसे ही H2SO4 का अगर बात करते हैं, MgCO3 का बात करते हैं। ठीक है, H2SO4 और MgCO3 एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन को एक बार समझ लेते हैं कि H2SO4 और MgCO3 रिएक्शन करेंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट में बताएं एक रिएक्शन करवा करके कि H2SO4 प्लस MgCO3 अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो, अगर आप लोग देखोगे तो H2SO4 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, H प्लस और SO4 2 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा MgCO3 है इसको क्या लिख सकते हैं, Mg2 प्लस और CO3 2 माइनस। ये जो चार्जेज होते हैं वो वैलेंसी के इक्वल होते हैं, तो जिसको इसको वैलेंसी याद होगा वो इजिली इसको स्प्लिट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ताकि हम लोग इक्वेशन को सोल्व कर सकें। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे H प्लस है, अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ऑफकोर्स तुम्हारा क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट्स होंगे वो किसके पास जाएंगे, निगेटिव के पास जाएंगे। तो यानी कि H और CO3 दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये दोनों भी आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन तो हो गए, तो आपको पता होगा क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग पहले लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लेकर के चले, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ लेकर के चले तो इसमें पहले हम लोग पॉजिटिव वाले को लिखेंगे, यानी कि पहले हम लोग इसको लिखेंगे Mg को लिखेंगे और फिर SO4 को लिखेंगे, बैलेंस एक्सचेंज करेंगे, दोनों का बैलेंस 2-2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो MgSO4 बन जाएगा। वैसे ही जब इन दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेंगे, H2CO3। और आपको पता है कि H2CO3 कैसे बनेगा, जब ये आपको वाटर और CO2 कंबाइन होता है तब H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। तो इस कारण से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जब एसिड आपको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का, वाटर का, CO2 का करता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी को याद रखें। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है तो सेम ही प्रोडक्ट बनता है, यानी कि सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और आपको क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया कि मेटल बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, एग्जांपल लेकर हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जब हमारा ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 बनाएगा। सिर्फ हमको ये सॉल्ट को याद रखने का, सॉल्ट कैसे बनेगा, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो Na हो गया, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है हमारा वो कौन हो गया, सॉरी, इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कौन है, Ca, और यही दोनों आपको रिएक्शन करेंगे। वैलेंसी को एक्सचेंज करना मत भूलिएगा, वैलेंसी एक्सचेंज करके ही हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या बनेगा, CO2। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन करवाने के बाद सॉल्ट क्या बनेगा, तो इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है, पोटेशियम, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है, SO4, इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है 1, क्रॉस कर देंगे तो इसके पास 1 आ जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगा। तो देखो हम क्या लिखे हैं, K2SO4 लिखे हैं, तो दैट मीन्स हमारा सॉल्ट क्या बना, पोटेशियम सल्फेट बना, और क्या बना साथ साथ, अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको जो सेकेंड प्रॉपर्टी था वो क्या था, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमको क्या बताए थे,
कि मेटल्स सॉरी एसिड्स अगर क्या करते हैं आपको, अगर एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, आपको ये बताया था, तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किस क्यों करते हैं? तो देखो आपको पता होगा करंट किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज करने का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, दो ही तरह के चार्जेस होते हैं। तो आपको पता है कि एसिड्स के पास क्या होते हैं, आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सभी एसिड के पास क्या होते हैं, एच प्लस आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो आयोनाइज होकर के एच प्लस आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सिंस ये भी एक तरह का चार्ज पार्टिकल्स है, तो जिस कारण से ये क्या करता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इस एसिड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी चार्ज पार्टिकल्स है, और किसी भी अगर सब्सटेंस के पास अगर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होकर के एच प्लस आयन्स को देता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन्स इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये था। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो मेटल्स होते हैं जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स क्या करते हैं, अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉर्मल चीज है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी बता दिया कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि जब हमारा कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम आपको एक रिएक्शन समझाते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना। जो प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को बताना, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे देखो हम लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं HCl को और NaOH को रिएक्शन करवाते हैं, तो कैसे ये रिएक्शन करते हैं, तो जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस। H प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। NaOH को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। बेस को कैसे पहचानोगे, तो जितने जो बेसिस होते हैं उन सबके लास्ट में आपको क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा होता है, OH लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इसको मत समझ लेना CH3COOH, इसके लास्ट में भी OH लगा हुआ, लेकिन ये बेस नहीं है, ये COOH अलग ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपको कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ना है, तो इसको बेस नहीं मान लेना है। बाकी जितने आपके पास लगा हुआ रहेगा OH लगा हुआ रहेगा वो आपको क्या होगा, बेस होगा। लेकिन इस ग्रुप के जितने मेंबर्स होंगे वो सब के सब एसिड्स होते हैं, बेस नहीं होते हैं, तो इनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एसिड था और ये आपका क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बेस था। तो नॉर्मली हमने इसको ब्रेक किए तो क्या बना, एच प्लस बना, और इसको ब्रेक किए तो क्या बना, सी एल माइनस बना। NaOH को ब्रेक किए तो क्या बना, Na प्लस OH माइनस। ऐसा क्यों लिखे हम, प्लस क्यों लिखे, क्योंकि सोडियम का वैलेंस है 1 होता है, इस कारण से इसके ऊपर प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों दिया, क्योंकि आपको बताएं कि शुरुआत में जो भी प्रेजेंट होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन है आपको, ठीक है। तो इसका भी एक्सेप्शन है कि आपको शुरुआत में पॉजिटिव वाले कम मिलते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि Na प्लस, ये आपको जनरली कोई भी अगर इलेक्ट्रो मतलब बोल सकते हो कि आपको इलेक्ट्रो सॉरी अगर कोई भी आपको क्या होता है आयोनिक कंपाउंड होता है तो उसके शुरुआत में क्या होते हैं, आपको पॉजिटिव पार्ट होते हैं, बाद में क्या होते हैं, निगेटिव पार्ट होते हैं। तो ये आपको पॉजिटिव था, इस कारण से इसके ऊपर Na प्लस लिखे और OH माइनस लिखे, ठीक है। और ये जो HCl था वो आपको क्या था, H प्लस और Cl माइनस। अब देखो Na प्लस लिखने का रीजन भी अलग होता है, क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस शुरुआत में प्लस, तो इसको हम लोग प्लस लिख देंगे, नहीं, इसका रीजन है कि वो Na प्लस ही क्यों लिखा था, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हम आपको क्या बताएं कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। और जब इनको साथ में कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लोग पहले पॉजिटिव को लिखेंगे, तो पहले Na को लिखेंगे फिर Cl को लिखेंगे। इसके पास एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। प्लस जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ऐसे हम लोग ये बनेगा क्या, HOH बनेगा, और HOH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करवाते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, जो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो ये जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, इसमें क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी कि बेस के इफेक्ट को डाउन कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिस कारण से हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एसिड और बेस के जो रिएक्शन होते हैं, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिस कारण से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सॉल्ट होता है, यहाँ पे जो सॉल्ट होता है वो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बोल सकते हैं, वो एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है। उसको जब हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कौन सा सॉल्ट हमारा एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन आपको न्यूट्रल है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होते हैं वो आपको क्या होते हैं, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसके इफेक्ट को कम्प्लीटली खत्म कर देता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोग पढ़े कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ना है कि जब हम लोग एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो देखो मेटल ऑक्साइड भी होते हैं, उससे क्या होते हैं, जनरली वो नेचर में बेसिक ही होते हैं। मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो जनरली आपको क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो नॉर्मल चीज है कि ये भी तो एक तरह बेसिक है, तो मेटल ऑक्साइड एक तरह से क्या है, बेसिक नेचर का ही है, और ये जो एसिड है वो तो एसिड है। तो फिर से हम लोग अगर यहाँ पे बेस की जगह पे, बेस की जगह पे अगर हम लोग क्या लिखे, मेटल ऑक्साइड लिखे, मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेस। तो हम लोग मेटल ऑक्साइड का ना रिएक्शन करवा के हम लोग तो बेस का ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेकर के चलते हैं, कोई भी एसिड जैसे HCl को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है, HCl को ही जब हम लोग मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि हम लोग इसका Na2O का सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। जब HCl का रिएक्शन किससे करवाते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड के साथ है। तो सोडियम ऑक्साइड नेचर में क्या होता है, बेसिक, अभी जस्ट आपको बताएं, सोडियम ऑक्साइड नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो एक तरह से ये एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हुआ, जिस कारण से क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा आपको बताएं, Na और क्या बनेगा, Cl। तो सॉल्ट हमारा NaCl अब प्लस H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा एसिड और क्या होता है, मेटल ऑक्साइड भी रिएक्शन करते हैं, तो जनरली क्या होते हैं आपको एक तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे कि हम लोग H2SO4 को और किसको, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड जो कि नेचर में बेसिक होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg और कौन बनेगा, SO4, MgSO4। इन दोनों का बैलेंस 2:2 होता है, दोनों का बैलेंस 2:2 होता है, जो कैंसिल आउट हो जाता है, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो MgSO4 बना, प्लस हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये हमारा क्या था कि जब हमारा मेटल रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर ही बनता है, सेम प्रोडक्ट बनता है। यानी कि हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमारा मेटल, जब हमारा एसिड और कौन सा, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस आपको वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको क्या था, जो भी हम लोग पढ़े, डिस्कस किए, 4-5 डिस्कस किए, वो आपको क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स थे, जिसमें पहला क्या पढ़े कि रिएक्शन ऑफ मेटल क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें भी वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 बनाता है। नंबर थर्ड क्या बनाता है, नंबर थर्ड हम लोग पढ़े कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर फोर्थ रिएक्शन विथ बेस, जब वो मेटल बेस के साथ रिएक्शन, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो जनरली क्या बनता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और नंबर फिफ्थ पढ़े कि जब एसिड हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। ये पांच जो थे वो हम लोगों को क्या पढ़ने थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या था, मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अगले वीडियो में आप लोगों का आएगा, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने फिलहाल ये वीडियो तो देखा है, या इसके अलावा अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा तो पीछे का भी वीडियो आप लोग देख सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को कोई भी मैथ में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होता हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिख सकते हैं, हम उस डाउट को संडे के दिन आप लोगों को सारे डाउट्स को क्लियर करके वीडियो बना देंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।